के मस्कट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक हवाई जहाज बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। एयर इंडिया का यह प्लेन कोची के लिए उड़ान भरने वाला था। प्लेन के इंजन में आग लगने की वजह से उड़ान को रोकना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। प्लेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पायलट समेत सभी क्रू भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लेन में 4 नवजात समेत कुल 145 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया है और उन्हें एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। DGCA की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इन यात्रियों को लाने के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया जाएगा। आपको बता दें कि DGCA ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि प्लेन के इंजन नंबर 2 में आग लग गई थी। इंजन में आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। बताया गया है कि यह हादसा तब हुआ जब प्लेन टेक ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच चुका था। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में हवाई जहाजों में कई बार गड़बड़ियां आने की वजह से या तो इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है या टेक ऑफ में समस्या आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।